आजकल ये तीन पोनीटेल बनाकर सिंगल पोनीटेल बनाने वाला हेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और इसको बनाना काफ़ी आसान है। वैसे तो नेट पे ज़्यादातर जो हेयर स्टाइल दिखते हैं वो बनते नहीं हैं, पर ये देखने में बिल्कुल ही आसान लग रहा है और इसको आसानी से कोई भी बना सकता है। तो चलिए आज हम इसको बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम ये ट्राई करेंगे ये हेयर स्टाइल कि ये बनेगा कि नहीं। मैंने ऑलरेडी अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लिया है, आपको भी इसी तरह से ठीक से अपने बालों को कॉम कर लेना है। इसमें एक भी आपके बाल उलझे हुए नहीं होने चाहिए, वरना आपकी जो हेयर स्टाइल है वो अच्छे से नहीं बनेगा। तो मैंने ऑलरेडी इसको पहले से ही अच्छे से कॉम कर लिया है और अब हम इसके 3 पोनीटेल बनाएंगे। पहले तो जो आपका जो बीच वाला हिस्सा है वो थोड़ा उसमें बाल ज़्यादा होंगे और आगे वाले जो दोनों हिस्से होंगे उसमें थोड़े थोड़े बाल लेंगे हम। इस तरह से हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। आपको भी इसी तरह से डिवाइड कर लेना है और आपको इस तरह से रबर बैंड लगा लेना है। मेरे पास ये मोटे वाला ब्लैक रबड़ था तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ, और आपके पास अगर पतले वाला रबड़ है तो आप इसको यूज़ करिए। और आपको अपनी पोनीटेल को थोड़ा लूज़ रखना है, एकदम टाइट मत करना, वरना इसको ट्विस्ट करने में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है और इसीलिए फिर वो अच्छे से आपका हेयर स्टाइल बनेगा भी नहीं। चलिए, इस तरह से मैं ये 3 पोनीटेल बना ले रही हूँ और ये मेरा 2 बन चुका है और ये लास्ट है। मैंने इसको थोड़ा लूज़ ही रखा हुआ है ताकि ये बिल्कुल भी मेरे को ट्विस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। और अपने बालों को आप ज़्यादा टाइट मत बांधिएगा, वरना आपके बालों के साथ हेयर फॉल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। तो इस तरह से मैंने अपने बालों को करके बीच में इस तरह से आपको उंगली डाल के स्पेस बना लेना है और इस बालों को हम रबर बैंड की हेल्प से इस तरह से अंदर से ट्विस्ट करेंगे। ठीक, आपको भी इसी तरह से ट्विस्ट कर लेना है और अब मैं हाथों की हेल्प से आपको इस तरह से बालों को फंसा लेना है। अब हम इसको नीचे से टाइट कर देंगे, इस तरह से आपको भी टाइट करना है। और ये रबर बैंड जो दिख रहा है ना, इसे भी हम बाद में इसको हटा देंगे। तो ठीक, मैं इस तरह से इधर भी कर रही हूँ और आप देख सकते हो कि मैंने इसको पहले ही हल्का सा लूज़ कर रखा था और अभी मैंने फिर से थोड़ा सा लूज़ किया। अब मैं इसको ट्विस्ट करके दोनों तरफ से उस साइड से हो गया और इस साइड से भी इसके अंदर पूरे बालों के साथ फंसा दूंगी। ठीक, आपको इसी तरह से इस बार में बालों को फंसाना है और ये मेरा हो चुका है रेडी। तो अब ये जो एक्स्ट्रा आपके जो रबर बैंड है वो आप इसको निकाल दीजिए। और ये देखिए, आप देख सकते हो कि ये हेयर स्टाइल हमारा बन चुका है। मेरे कैमरे में इतने अच्छे से नहीं आ रहा है, पर ये हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल बन के रेडी हो चुका है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स।